यहाँ पास में ही रूम है हम लोगों का, और यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दो लोग रहते हैं। पर अभी वो लड़का किसी और लड़की के साथ इसमें अंदर गया और ये देख के घबरा रही है। ये उसके गर्भा में, दोनों साथ में रहते हैं, तो काफ़ी टाइम से इन लोगों के ये चल रहा है। मैं सोचा एक बार मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि हो क्या रहा है इन लोगों के बीच में। रो रही है शायद लड़की, और वो लड़का लड़की जो इसका बॉयफ्रेंड है वो अंदर बंद है अभी, और उन्हें लगे फ़ोन कर रही है शायद। काफ़ी टाइम से इन लोगों का चल रहा है, भगवान जाने क्या है, कौन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि दो लड़का ने शादी किया हो। रो रही है तो क्या हो? हेलो हेलो, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो, क्या क्या हुआ? हैं हैं, कुछ नहीं, कौन है वो लड़का आपका? मेरा फियांसे था, हम बहुत साल तक रिलेशनशिप में थे और अभी वो फोन भी नहीं उठा रहा और पता नहीं किस आप तरह। इधर क्या जॉब करते हो क्या? वो पता है क्या करता है आपको जाने के बाद? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ पे, 3-4 दिन से। वो उस कमरे में ना, वो किसी और लड़की के साथ में है। मुझे आवाज़ आ रही थी। आप जब जाते हो ना तो किसी और को भी लेके आते हैं, मतलब 2-3 लड़की ऐसी है। आप क्या शादी दो करना? तीन लड़के हाँ, वो हमेशा अलग अलग लड़की के साथ लेके आता है, सुबह आपके जाने के बाद, और जब आप शाम को आते हो उससे पहले उसको वो निकाल देता है। शायद वो अभी अंदर ही है। आपने बात किया क्या उससे? फोन उठा ही नहीं रहा है, वो कब से कॉल कर रही हूँ। एंड मैं उसकी वजह से अपना घर वर सब छोड़कर आ गई थी। वो करता क्या है लड़का? वो जॉब करता है। कैसे मतलब, आप इधर कहाँ रहने वाले हो? मैं वैसे कोलकाता से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर आई थी शूटिंग लाइट पे। ओके। फिर वो जॉब करता था और यहाँ पर आपको पता है मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों को सपोर्ट करना मतलब ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने, वो मुझे बहुत सपोर्ट भी किया स्टार्टिंग में एंड हम अच्छे रिलेशनशिप में आए, फिर हम इंगेज भी किए। बट अभी अच्छा इंगेजमेंट हो गई है आप लोग? हाँ जी। तो अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो किसी लड़के साथ? मुझे नहीं पता। कितने दिन का रिलेशन है आप लोगों का? 5 ईयर। तो आप क्या शादी करने वाले हो उससे? मैं बहुत सीरियस हूँ, तभी तो मैं अपने फैमिली को छोड़कर उसके साथ। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो सीरियस है। आप कैसे शादी कैसे कर सकते हो? देखो वो किसी और लड़की के साथ में, वो आपके साथ जब ऐसा चीट कर रहा है तो उसके साथ भी तो चीट ही कर रहा है ना। मन तो कर रहा, अभी मैं दो क्या कौन? मेरी गलती थी जो मैंने इस पे ट्रस्ट कर लिया। कौन कौन रहते हो आप इधर? आपकी फैमिली रहती है क्या? नहीं, मेरी फैमिली सब बाहर रहते, मैं और वो रहते बस। आपके घर वाले को पता है? नहीं। तो मतलब मैं सोची थी कि हाँ बता दूंगी घर वाले को, बट उससे पहले अभी मैं 10 बार कॉल करी, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा एंड वो मुझे अंदर से आवाजें आ रही है किसी लड़की के साथ में है वो। तो आपको कब चीज अभी अभी पता चला? इससे पहले पता नहीं था आपको ये? नहीं, मुझे आसपास के लोग भी बहुत बार गाय मेरे बोल रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह भी, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। बट मैं आज बोली कि मैं जा रही हूँ शूट पे, बट मैं शूट पे नहीं गई, मैं अचानक से आई तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करा एंड तो जाओ आप बोलो उसको गेट खोलने के लिए। अब ऐसे रोने से थोड़े ना कुछ होगा, वो तो ट्रस्ट कर लाएगी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपके पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, अभी आपका शादी नहीं हुआ, शादी के बाद क्या करेगा, कैसे रहोगे साथ में आप? समझ में नहीं आ रहा, बट अब शादी तो उसी से करना पड़ेगा मुझे, अब क्यों? जैसा भी है। अब बात कर लो ना एक बार उससे। फोन तो रिसीव नहीं कर रहा है वो, मुझे चाबी आपके पास नहीं है गेट का? नहीं, वो बोला था कि एक ही चाबी बनाते हैं, जब भी तुम्हें जरूरत होगा तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगा, बट वो आज घर पे ही है। मुझे नहीं पता था कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा। क्या अगर हो जाओ गेट खुलवा फिर अब कैसे करोगे? ट्राई कर तो शायद, अगर उसके फैमिली वाले को पता है कि आप लोग डिसीजन में हो? हाँ, उसके फैमिली वालों को पता है। तो अभी अभी उनको फैमिली का नंबर है आपके पास? नंबर है, उसकी बहन और उसकी मम्मा को भी कॉल किया मैंने। तो आप कॉल करके बताओ ना कि आपका ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहे हैं इधर, आप इधर रिलेशन में हो तो उसको ऐसे तो करना नहीं चाहिए ना। हाँ, मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे क्या फील हो रहा, मैं कैसे बताऊँ? क्या करोगे फिर? मेरा हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं उस घर पे जाऊँ दोबारा। एक बार कॉल करो,
उसके घर वाले को और बताओ ये सारी बातें जो भी हो रहा है, ठीक है? आप जिसके लिए ट्रस्ट करके इधर रुके हो, वो अगर आपका साथ नहीं देगा तो क्या करोगे आप? हैं? या अपने घर वाले को आप बुला लो, बात कर लो एक बार। घर वाले को तो बताना चाहिए ना, आप किसी के साथ रिलेशन में, शादी इंगेजमेंट आपकी हो गई या बोल रहे हो आप शादी करने वाले हो, तो फिर कैसे होगा? बस एक ही डिसीजन, मैं कमजोर नहीं हूँ बट मैं नहीं रह सकती हूँ उनके बिना, तो और मैं ऐसे इसको देख लिया तो मैं इसके साथ अब रहना भी नहीं चाहती हूँ। बस मुझे लग रहा है मेरा लाइफ खत्म हो गया, अब मैं कुछ कर लूंगी, मुझे नहीं रहना। अरे कुछ कर लूंगी क्या मतलब, करना क्यों है? दूसरे के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगी? आप बहुत चीज कर सकते हो, आप जॉब करो अपना। अब खत्म हो चुका है, मैं ऑलरेडी 5 ईयर इनके साथ रह रही थी। अब आप एक काम करो, आप अपने घर वाले को बुलाओ, ठीक है? उनसे ना बोलो कि ऐसा ऐसा बात है, जो भी सच्चाई है आप बताओ उनको, ठीक है? बोलो, देखो सारे घर वाले को भी बोल के क्या मतलब होगा, जब लड़का ही ऐसा नहीं है तो, जब लड़का ही ऐसा निकल गया तो क्या बोल सकते हैं? ठीक है, एक बार जाओ, आप ट्राई करो, उनको बोलो कि कौन है, देखो क्या होता है, कोई दिक्कत होगा इधर सामने हम लोग रहते हैं, बताना अगर कोई परेशानी हो रहा है आपको, ठीक है? जाओ एक बार बोलो।